सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बवासीर के बारे में जानेंगे। बवासीर होने के जो कारण हैं, उन कारणों को यदि आप जान ले तो आपको कभी भी बवासीर जो हैं वो नहीं होंगे, और उन कारणों को आप सही तरह से जान ले। सबसे पहले बवासीर जो होता है, उनका मुख्य जो कारण है, उन कारण में कब्ज है। कब्ज के कारण बवासीर जो है होते हैं। ये मुख्य कारण जो है वो बवासीर का कब्ज है, इसलिए आपको भी कहीं कब्ज है और ज़्यादा दिन तक आप कब्ज रहता है तो उन कब्ज का आप उपाय करें, कब्ज का आप प्रॉपर कब्ज का इलाज करें। यदि आपने कब्ज का प्रॉपर इलाज नहीं किया और ज़्यादा दिन तक कब्ज रहा तो कब्ज के कारण बवासीर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए आप कब्ज का निवारण सबसे पहले करें। दूसरा जो कारण है, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो टॉयलेट जो है वो प्रेशर के बिना टॉयलेट में बैठे रहते हैं और ज़्यादा जोर लगाते रहते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो जो एनल के जो नसें हैं उन पर दबाव आएगा और उनके कारण जो नसें जो है वो नसें फूलने लगेगी और इसके कारण बवासीर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आपको प्रेशर के बिना कभी भी टॉयलेट नहीं जाना है, और टॉयलेट बैठते वक्त आपको बिना कारण प्रेशर जो है वो बिना कारण आपको प्रेशर नहीं करना है। यदि बिना कारण आप जोर लगाएंगे तो एनल के जो नसें हैं उन पर ज़्यादा जोर लगेगा और उन नसों पर जो बवासीर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाती है, कारण के नसें जो है वो फूल जाती है। इसलिए ये जो टॉयलेट जो है बैठते वक्त आप खास ख्याल रखें। तीसरा जो कारण है, वो ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना जो है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो है वो लोग खाते हैं, और ज़्यादा जो मिर्च मसाला वाला खाना है, बाहर का खाना खासकर जो ज़्यादा मसालेदार और जो ज़्यादा तीखा हो जो खाना है वो खाना खाने से बवासीर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए घर का ही खाना खाए, बाहर का खाना आप मत खाइए, और जो ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाना है, ज़्यादा तला हुआ वो ज़्यादातर न खाए। इसके कारण भी बवासीर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आप इतनी सावधानी रखेंगे तो आपको कभी भी बवासीर जो है वो नहीं होंगे। थैंक यू।